लगभग 15 मिनट से बातचीत हो रही है, हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे। हमको तो अच्छा नहीं लगा, बहुत मीठा लगता है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो फिलहाल अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 13352 LFP धनबाद एक्सप्रेस में, और अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। इससे पहले आप इस ट्रेन का LFP से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक की जर्नी आपने पहली पार्ट में देखी होगी। दूसरी पार्ट की शुरुआत हो रही है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से धनबाद तक का, मतलब इस ट्रेन का कंटेंट हम सिर्फ दो ही पार्ट में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि भाई इस ट्रेन में खाना क्या मिलता है, वेज हमने खा के आपको दिखाया था, वेज का टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, और जर्नी एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया था। दूसरी पार्ट की शुरुआत हो रही है MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन से। तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 9:35, और यहाँ पे ट्रेन जो है लगभग 35 मिनट रुकती है, क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव को रिवर्स किया जाता है, उसके बाद यहाँ से हम लोग की ट्रेन निकलेगी। वैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव रिवर्सल, साथ ही यहाँ पे लोको पायलट भी चेंज होंगे और कोच में पानी वगैरह भी फिल किया जाएगा। भाई छाछ तो नहीं मिला प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ से ये पल्पी ऑरेंज हमने ले लिया है। 35 है ना? क्या बोले? हाँ, 35 ये 35 का फुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 10:10 पे। तो चलिए अब सोते हैं। और लोअर बर्थ वाले पैसेंजर भी आ चुके हैं, अपना ये बेडशीट बिछा हुआ है भाई, इसी पे सोना है। इधर भी जो पैसेंजर हैं वो भी आ चुके हैं। The next morning. तो भाई सुबह का ब्रेकफास्ट आज फिर से हम लोग कर रहे हैं, पेंट्री का ये ब्रेड ऑमलेट जिसमें ये टॉप्स का टोमेटो केचप दिया गया है, और ये ऑमलेट है बिल्कुल गर्मा गर्म। तो चलिए ट्राई करते हैं इस ट्रेन का पेंट्री का ब्रेड ऑमलेट। सही है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। अब क्या दूसरे ट्रेन में अगर पेंट्री का ब्रेड ऑमलेट लेते हैं ना, मैक्सिमम ट्रेन में हमने देखा ब्रेड अलग और ऑमलेट अलग रहता है, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेड के ही साथ ऑमलेट को, जैसे नॉर्मल ब्रेड ऑमलेट होता है ना, उसी तरह बटर वगैरह लगा के दिया गया, काफी बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 1340 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 42वां हॉल्ट राजा मुंदरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RJY, और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और राजा मुंदरी रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 7:30 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 2 घंटा डिले। अभी टाइम हो रहा है 9:30। चेन्नई तक ये ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल थी, और अभी देखिए सुबह होते होते 2 घंटा डिले हो चुकी है ये। वैसे राजा मुंदरी जो है ये आंध्र प्रदेश का कल्चरल कैपिटल है, और अभी TT सर आए थे, वो अभी मुझे बता रहे थे कि हम इकलौता ऐसे पैसेंजर हैं इस ट्रेन में जो इंड टू इंड जर्नी कर रहे हैं, मतलब LFP से धनबाद तक। बहुत सारे पैसेंजर कोई चेन्नई में डिवोट करें कर गए, कोई विशाखापट्टनम में करेंगे, मतलब इतना सारा हॉल्ट है ना, टोटल 78 हॉल्ट्स है। तो शायद ही कभी ऐसा रेयर होता है जो कोई पैसेंजर मिलता है TT सर को जो इंड टू इंड जर्नी करता है, उसमें से आज हम इकलौता है भाई। वैसे इस स्टेशन पे आपको
खाने का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इडली, वड़ा, वेज थाली, बिरयानी, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगा आपको इजीली, ओनियन समोसा। अभी दोपहर के बज रहे हैं एक, तो अपना लंच आ चुका है दूसरे दिन का, पेंट्री का। वैसे दूसरे दिन का लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है वो 11 बजे के लगभग, तो हमने ऑर्डर दे दिया था। और आज जो है हम लोग ट्राई करने वाले हैं ओनली नॉन वेज, तो अभी अंडा थाई ट्राई करेंगे और डिनर में चिकन थाई ट्राई करेंगे। इससे आपको पूरे पता, मतलब स्ट्रीम के बारे में पता चल जाएगा कि भाई वेज थाली कैसा मिलता है, चिकन थाली कैसा मिलता है, अंडा थाली कैसा मिलता है, सारा चीज़ का रिव्यू मैं दे दूंगा। वैसे चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी भी आपको मिलता है स्ट्रीम में, तो अभी तक तो हम ट्राई नहीं किए हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मौका मिलेगा तो शायद कल सुबह में ट्राई करके आपको दिखा दे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंडा थाली कैसा है स्ट्रीम का। तो भाई ये रहा अपना अंडा थाली, इसमें ये अंडा है, ये राइस है, इसमें दाल है और इसमें पूरी होगा, ठीक है। दही अभी नहीं दिया गया है, भैया बोले हैं कि दही कुछ देर में आके देते हैं। हमें सब 1540 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम सब पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है VSKP और यहाँ पर ना ट्रेन के 20 मिनट के हॉल्ट है, लेकिन हमारे सबके ट्रेन है ना पहुँचले हैं 20 मिनट डिले। ओना ट्रेन के यहाँ पे पहुँचे के टाइम चले दोपहर के 1:10, लेकिन हमारे सबके ट्रेन यहाँ पहुँचले हैं 1:30। प्लेटफॉर्म जो है ना यहाँ विशाखापट्टनम में 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना ना लगभग 174 ट्रेन आकर रुके हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के फाइनेंशियल कैपिटल कहल जाए है, विशाखापट्टनम के साथ ही वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी भी है विशाखापट्टनम। और अभी जो है पेंट्री से हम लोगों ने अंडा थाली मंगाया है, अनबॉक्स नहीं किए इसलिए क्योंकि भाई हम सोचे विशाखापट्टनम स्किप हो जाएगा, खाने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से अनबॉक्स नहीं किए। विशाखापट्टनम के बाद अंडा थाली खाएंगे फिर आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। कल पूरा वेज ट्राई किए थे, आज नॉन वेज, मतलब इस ट्रेन का वेज कैसा है नॉन वेज कैसा है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली, मतलब खाना में जो भी चीज़ मिल रहा है हर एक चीज़ ट्राई करेंगे इस ट्रेन का, पेंट्री का। ये तो है बटर मिल्क, कितने का? 10 रुपये। 10 का, ये 2 दे दो आप। तो भाई यहाँ मिल गया ये बटर मिल्क, दोधला डायरी का 10-10 का है। ये 2 हो गया। तो अभी छाछ लेके अंदर आए थे रखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ट्रे में दही भी लाके रख दिया गया है। अब पूरा हुआ ये 90 की अंडा थाली, ये तो भाई अभी हम लेके आए छाछ। तो भाई लगभग आधे घंटे से अपनी ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे ही रुकी हुई है, वैसे 20 मिनट का हॉल्ट था, हम लोग की ट्रेन यहाँ 20 मिनट डिले भी पहुंची थी और खाना जो है ना लगभग 1 घंटा पहले पेंट्री से हम लोग को दे दिया गया था, खाना लगभग ठंडा हो चुका होगा। चलिए फटाफट खाते हैं, नहीं तो और भी ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी इस ट्रेन का पेंट्री का खाना जितना बार भी खाएं ठंडा ही मिला, क्योंकि कोच जो है ना हम लोग के सबसे पीछे है, तो जब तक डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं देने के लिए तब तक ठंडा ऑलरेडी हो जाता है। 1 घंटा पहले दिया गया है, लेकिन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिखाने के चक्कर में हम बाहर चले गए, सोचे 20 मिनट रुकेगी डिपार्चर दिखाएंगे खा लेंगे, लेकिन भाई 20 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया, अभी तक डिपार्चर का आता पता नहीं है। लोकोमोटिव अभी निकाल के इधर से ले जाया गया, अभी लगा अभी 15 मिनट और रुकेगी यहाँ, तब तक तो हम भाई लंच भी कर लेते हैं। चलिए अंडा थाली खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मैं देखिए ये है दाल, दाल का थिकनेस सही है भाई, गाढ़ा दाल है, सही है। और ये है अंडा, 2 अंडा दिया गया है
और ग्रेवी भी इसका सही लग रहा है। ये देखिए टमाटर वगैरह है, तेज पत्ता है इसमें डाला हुआ। और इस ट्रेन में तो रोटी मिलता नहीं, उसके जगह पे ये दो पूरी दिया गया है, ये राइस है और ये दही अचार। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो अभी हमने अंडा करी ट्राई किया था भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अंडा करी भी सही है, दाल भी सही है, और चावल हो पूरी हो, लेकिन जो भी चीज़ है ना वो ठंडा हो गया, गलती मेरी थी, लेकिन खाना बढ़िया हमारा, आप ट्राई कर सकते हो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:20 और अभी भी अपनी ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। वो तो सही किए कि जाकर हम लंच ट्राई कर लें, अगर हम डिपार्चर के चक्कर में रहते तो भाई भूखे ही रह जाते। भूखे क्या, बाद में खाना पड़ता, वैसे भी 1 घंटा हो चुका था, 1 घंटा पहले ही खाना दे दिया गया था हम लोग का। खाना तो ठंडा हो गया था, लेकिन कोई नहीं, क्वालिटी था खाना में, खाना बढ़िया है। ट्रेन का वेज थाली हो, अंडा थाली हो, चिकन थाली, तो रात में ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। कुछ देर पहले लोकोमोटिव अभी गया है, अभी लगेगा लोकोमोटिव, पता नहीं 10-15 मिनट शायद और जो है ना गाड़ी यहाँ रुकेगी, उसके बाद फिर डिपार्चर, फाइनली डिपार्चर आपको दिखाएंगे ही। वैसे भाई ये ट्रेन ना सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में भाई एक नंबर है। मतलब जब से ट्रेन में हम बोर्ड किए हैं ना सर, तो जब से ट्रेन में बोर्ड किए हैं तब से मैं देख रहा हूँ, मतलब डॉग भी, मतलब ट्रेन में रनिंग ट्रेन में डॉग डॉग स्क्वाड भी है, और डॉग के ऊपर वो क्या कहते हैं गोप्रो कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ सीसीटीवी वही कह सकते हैं, वो कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में ये ट्रेन मेरे समझ से A1 है। और ये इनसे मुलाकात हुई, इनसे मैं देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी घंटों से मैं इनको देख रहा हूँ, इधर से उधर ये कर रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा क्लिप आप लोग के लिए बना दे। सही है, सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में ट्रेन अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है, वाशरूम का कंडीशन मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। चलिए ठीक है, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वैसे क्या नाम हुआ आपका? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लगभग 15 मिनट से बातचीत हो रही है, हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पर, तो हमने सोचा क्यों ना भाई छोटा सा क्लिप आपको दिखाया जाए। चलिए सही है, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन। सो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:05, तो आपको इस ट्रेन में स्नैक्स में मिल जाएगा गर्मा गर्म समोसा और आलू का वो पकौड़ा, ये आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। अब क्या है कि स्नैक्स में ये जो हम लोगों ने हलवा लिया था ना केरला में, तो बस एक ही पीस खाए थे, 4 पीस इसमें अभी भी बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि 1 पीस खा लेते हैं और बाकी का जो 3 पीस है ना वो OBHS स्टाफ को मैं दे दूंगा, क्योंकि आज लास्ट डे है, दूसरा दिन है, कल सुबह में 11 बजे के लगभग हम लोग धनबाद पहुंच ही जाएंगे। और बाहर ना भाई गजब का नज़ारा है, मतलब सनसेट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट का नज़ारा, इधर मैं ये हलवा भी खाता हूँ, तब तक आप सनसेट देखिए। भाई लगभग 1865 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 63वां हॉल्ट तितलागढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TIG, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा डिले। तितलागढ़ जो है ये उड़ीसा के बालनगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 70 ट्रेन आकर रुकती है। और तितलागढ़ रेलवे स्टेशन उड़ीसा का मेजर रेलवे स्टेशन है, और खास तौर पे देखा जाए तो तितलागढ़ में सी फूड के लिए फेमस है, और मैं खाने पीने की बात करूँ तो स्पेशली यहाँ का क्रैब करी, मतलब केकड़ा कढ़ी काफी फेमस है। खाने से याद आया कि डिनर का ऑर्डर हमने दे दिया, तो डिनर में चिकन थाली हम लोग ट्राई करने वाले हैं, वेज थाली हमने ट्राई कर लिया, अंडा थाली भी हमने आपको दिखा दिया, तो अभी चिकन थाली खाएंगे। तितलागढ़ के आसपास आपको खाना इस ट्रेन से पेंट्री से सर्व किया कर दिया जाता है, अभी मेरे पास नहीं आया क्योंकि मेरा जो कोच है ना सबसे पीछे है, इस वजह से नहीं आया। वैसे जब हम लोग की जर्नी की शुरुआत हुई थी ना केरला से, उस वक्त मैं उधर तो गर्मी पे, साउथ में तो गर्मी ही पड़ता, ठंडा उतना पड़ता ही नहीं है, तो केरला हो गया, उसके बाद हम लोग की ट्रेन पहुंच गई तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अब हम लोग आ चुके हैं उड़ीसा में, ठीक है, चौथे स्टेट में हम लोग इंटर कर चुके हैं। वैसे यहाँ पे जैकेट वगैरह हमने निकाल लिया क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो चुका है, इधर उधर ठंड नहीं है, इधर ठंड है, दिसंबर का समय है भाई,
तो दिसंबर में तो पता ही है, इस साइड आपको बिहार यूपी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, इस साइड नॉर्थ में ठंड तो पड़ता ही है। जैकेट वगैरह वैसे लगेज में लेके ही चल रहे थे, जब भी ठंड आता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक ट्रिप ना कम से कम साउथ का जरूर करें। और ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पे हम पहली बार आए हैं, इस स्टेशन पे हम दो बार आ चुके हैं और इस स्टेशन पे एक दिन रात में भी स्टे कर चुके हैं, तितलागढ़ रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। 844 तितलागढ़ रेलवे स्टेशन पे रात भर हम वहीं पे सोए थे, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना वहीं पे सोए थे, यहाँ से पानी लेकर पी रहे थे। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 8:30, तो तितलागढ़ रेलवे स्टेशन से ही निकलते ही पेंट्री से डिनर आ चुका है अपना। और आज हम लोगों ने मतलब चिकन थाली ऑर्डर किया था 130 वाली, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 130 वाली चिकन थाली में क्या क्या मिला है, उसका मैं टेस्ट करूँगा फिर आपको मैं टेस्ट बताऊँगा। 130 वाली चिकन थाली जिसमें ये देखिए ये है चिकन, जिसमें चिकन का 2 पीस दिया गया भाई, ग्रेवी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सही है ग्रेवी सही लग रहा है भाई। उसके साथ ही ये दाल दिया गया है, दाल का थिकनेस भी सही है, ये चावल है और ये दही दिया गया है, अचार दिया गया है, साथ ही 2 पूरी दिया गया है इसमें। तो भाई राइस में हमने ये चिकन का टुकड़ा डाला है और हल्का ग्रेवी है, अब टेस्ट करते हैं। भाई अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना बहुत बढ़िया भाई, मतलब इस तरह के ट्रेन में पेंट्री का बना हुआ इतना बढ़िया चिकन थाली मिल रहा है, अब क्या चाहिए। चिकन भी ना ग्रेवी भी बढ़िया और चिकन भी अच्छे तरीके से कुक किया गया। बहुत दिनों बाद मतलब बहुत अरसे बाद हम किसी ट्रेन में इस तरह का पेंट्री का चिकन खाएं भाई, प्रीमियम ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेन की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया था चिकन। तो अभी राइस के साथ दाल को लिए हैं, दाल भी सही है, मतलब यही है कि इस ट्रेन का खाना ना आपको सही मिलेगा, निराश आपको नहीं किया जाएगा, पेंट्री का खाना इस ट्रेन का बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि रेट टू रेट आपको लेना है, प्राइस ये ओवर बताते हैं लेकिन जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आपको ओवर प्राइस ही दिया जाएगा, बोलिएगा तब जाकर आपको सही रेट पर खाना दिया जाएगा। और थाली में दही मिसिंग रहता है, लेकिन मेरे थाली में दही मिसिंग नहीं, आप देख रहे हैं ना। तो जब भी आप ट्रैवल कीजिए तो डिमांड कीजिए तभी आपको मिलेगा। भाई अभी रात के बज रहे 9:30, तो चलिए अब सोते हैं, खाना पीना हो गया। वैसे भाई खाना बहुत बढ़िया था, नॉनवेज हमने ट्राई किया था, चिकन थाली इस ट्रेन का एक नंबर था। सेकेंड एसी में जर्नी कर रहे हैं, सब लोग अपना पर्दा लगा के अपना सो रहे हैं, तो चलिए हम भी सोते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए और आपसे मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आपके लिए है हलवा, केरल का फेमस, पता है ना, खाए कभी? हमको तो अच्छा नहीं लगा, बहुत मीठा लगता है। 2 पीस खाए हैं, खा लीजिए, और भी कोई स्टाफ है तो उनको भी मार दीजिएगा, ठीक है? चलिए गुड नाइट, सोते हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 2480 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है, इस ट्रेन का 76वां मतलब 76 हॉल्ट
बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BKSC, और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग टनिया पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन का बोकारो स्टील सिटी में पहुंचने का टाइम था सुबह के 8:05। तो चलिए अब मैं आपको LFP धनबाद एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है 2 जनरल क्लास, 5 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड AC, 4 सेकेंड AC, 1 फर्स्ट AC और 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन में इन टू इंड जर्नी कीजिएगा LFP से धनबाद के बीच में स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 855 रुपीज़, मतलब 855 रुपया। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2250 रुपया, मतलब 2250 रुपीज़। अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल कीजिएगा, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 3300 रुपीज़, मतलब 3300 रुपया। अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल कीजिएगा इस ट्रेन में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 5600 रुपया, मतलब 5600 रुपीज़। और हाँ, इसमें पेंट्री कोच है तो खाना पीना तो मिलता है, लेकिन टिकट प्राइस में खाना वगैरह इंक्लूड नहीं रहता, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वेज थाली का 80, अंडा थाली का 90, चिकन थाली का 130। हाँ, ओवर प्राइस दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, रेट हमने आपको बता दिया, उसी हिसाब से आप लीजिएगा। वैसे हम सोचे थे कि भाई रांची रेलवे स्टेशन कवर करेंगे, लेकिन नींद ऐसी आई ना, ठंड इधर है ना, तो ठंड की वजह से उठ नहीं पाए, रांची स्किप हो गया। अभी सूत के उठ के देखे हैं तो भाई पूरा पैसेंजर, मतलब कोई पैसेंजर है ही नहीं कोच में, मोस्टली पैसेंजर जो है ना हटिया रांची में डिवोर्ड कर जाते हैं इस ट्रेन से। वैसे लॉन्ग रूट की ट्रेन है, बीच में बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करते हैं, डिवोर्ड करते हैं, लेकिन रांची आते आते तक ना पूरा कोच लगभग खाली हो जाता है। भाई आज हम लोग का इस ट्रेन में तीसरा दिन है, तो मतलब 3 दिन तक हम लोगों ने इस ट्रेन में क्या खाया नहीं खाया वो तो आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन पेमेंट हमने नहीं किया था लंच और डिनर का। ब्रेकफास्ट का हम कर देते थे, कैसी ब्रेकफास्ट, वो ब्रेड ऑमलेट हमने 2 दिन ट्राई किया था इसी ट्रेन में, 50-50 का पड़ा था। उसके बाद लंच डिनर का बिल ये देखिए आ चुका है अपने पास, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल में क्या है। वैसे रेट होगा, रेट आपको पता है ही, फिर भी एक बार दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो दिखाइएगा, बोलेगा भैया देखिए कितने का बिल आपने दिया था इनको, फिर हमको 130 की थाली क्यों। चलिए दिखाते हैं आपको, ट्रेन नंबर दिया गया है देखिए 1335152, ठीक है, LFP एक्सप्रेस रैक नंबर 1। और देखिए खाना हम लोगों ने लिया था वेज मील 2 80 वाली थाली, नॉन वेज 1 अंडा वाली और चिकन 1, तो टोटल हो गया 380 का, 80, 90 और 130 का हिसाब लगाया गया। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये काम दे सकता है अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो। तो चलिए भाई अब मैं आपको इस ट्रेन की वाशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ, कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं धन्यवाद। तो भाई उससे पहले देखिए वाशरूम का कंडीशन है, वाशरूम में जाने से पहले आपको सामने मिरर देखने को मिलेगा, मिरर की साफ सफाई आपके सामने है, बेसिन भी सही है, डस्टबिन पूरी जर्नी भरा हुआ था भाई, ये भी भरा हुआ है, उधर फर्स्ट AC का भी वही डस्टबिन का वही हाल है, कभी खाली किया ही नहीं गया, अंदर भी भरा हुआ है। अंदर चलिए वाशरूम का कंडीशन दिखाते हैं आपको। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वाशरूम में, और वाशरूम में आते ही देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मिरर, साफ सफाई सही है, इसमें लिक्विड सोप नहीं है, ये बेसिन है, पानी पूरी जर्नी आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर मैं ओवरऑल साफ सफाई की बात करूं तो देखिए क्या है ना कि हमने ऑब्जर्व किया है कि साफ सफाई 9 के बराबर है स्ट्रेन में, वो तो कोच नहीं है तो लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन एक बार भी
एक बार भी, मतलब 52 घंटा होने वाला है, एक बार भी ना ही कोच की साफ सफाई की गई, ना ही वाशरूम की साफ सफाई की गई, लिक्विड सोप वगैरह वाशरूम में है कि नहीं है नहीं देखा गया, टॉयलेट पेपर है कि नहीं है एक बार भी नहीं देखा गया, लिक्विड सोप वाशरूम में नहीं है भाई खत्म है। जब सेकेंड एसी का ये हाल है, थर्ड एसी का क्या होगा? सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद जंक्शन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 20 मिनट बिफोर। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि एलएफपी धनबाद एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। वैसे इस ट्रेन के बारे में हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि इंड टू इंड जर्नी करने का, क्योंकि ये डेली ट्रेन थी। फाइनली मौका मिला। 52 घंटा का सफ़र आप लोगों को कैसा लगा? लगभग दो दिन से ज़्यादा हो गया ना 52 घंटा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे हमने जो आपको व्लॉग में दिखाया वो कितना सच था कितना गलत था, अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो आपको भली बात ही पता होगा, अगर नहीं किए हैं इन फ्यूचर आप ट्रैवल कीजिएगा फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मोनू भाई ने इस ट्रेन के बारे में कितना सही दिखाया। खाना इस ट्रेन का सही है भाई, खाना आप खा सकते हैं नो डाउट, पेंटी का खाना आप ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ा रेट का इशू होता है। तो भाई हमने बिल दिखाया आपको, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, सामने वाले को दिखाइएगा, नहीं तो उनको बोलिएगा सही रेट पर खाने देने के लिए, खाना आपको सही रेट पर मिलेगा, खाना बढ़िया है खा सकते हैं। थोड़ा साफ सफाई में इशू है, जब से ट्रेन निकली है तब से अभी तक धनबाद तो पहुंच गए, फाइनल डेस्टिनेशन आ गई ट्रेन, लेकिन साफ सफाई एक बार भी नहीं हुई। वो तो ये है कि भाई कोच नया है ना तो साफ लग रहा है, तो साफ सफाई एक बार भी ना किया गया, ना ही वाशरूम को किया गया, ना ही कोच की साफ सफाई। तो ये है इस ट्रेन की कहानी, कैसी लगी आपको? मिलते हैं अगले जर्नी में, आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं। तो अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह बाकी साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और प्यार करते हैं आपसे, लव यू फ्रॉम धनबाद जंक्शन।